चुपाटी नमस्ते आप सभी को। सो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है एकता सोनी और आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का जो लेक्चर नंबर 2 है, जो हमने कल से बायोलॉजी शुरू की है उसका लेक्चर नंबर 2 आज हम करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करी है क्लास 11th का। कोई भी बच्चा अगर जो क्लास 10th से इस बार क्लास 11th में आया उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जो ड्रॉपर बच्चा उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, 12th वाले बच्चे के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्लीज़ ये लेक्चर पूरा एंड तक देखिएगा। पार्ट 2 हम बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। पार्ट 1 में हमने बात करी थी व्हाट इज लिविंग। अब क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई ने काफी सारे टॉपिक्स रिमूव कर दिए हैं बट एनटीए ने नहीं करे हैं, तो हम अभी के लिए ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस करा है हम उसको अभी नहीं कंसिडर कर रहे हैं नीट के सिलेबस में, क्योंकि ऑफकोर्स नीट का सिलेबस अभी तक रिड्यूस नहीं हुआ, एनटीए का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो हम सब कुछ बेसिक से पढ़ेंगे, जो जो चीजें इंक्लूडेड थी और हैं हमको वो सारी चीजें पढ़नी है। तो उसी के हिसाब से मैंने आपको पार्ट नंबर 1 के अंदर जो कल लेक्चर नंबर 1 था इसी चैप्टर का वो मैंने आपको करवाया था व्हाट इज लिविंग बींग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो वो आपका बेस डेवलप करेगा। प्लीज़ वो चैप्टर वो लेक्चर जरूर देखना, इस चैप्टर की कॉन्टिन्यूटी आपकी बहुत अच्छे से बनी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ में फटाक से। एंड आई होप सो कि आपने वो देख लिया होगा लेक्चर नंबर 1, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, प्लीज़ वो देखकर जरूर ये वाला कंटिन्यू करना, ठीक है। तो आज बच्चों हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, लेकिन हमारी क्लास का हमेशा एक रूल होगा और वो रूल ये है कि हम पिछली क्लास का ज़रूर 5 मिनट देकर रीकैप करेंगे। तो जल्दी से रीकैप करते हैं। कल की क्लास में हमने लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये चैप्टर लिविंग वर्ल्ड जो है जहाँ पर हम लिविंग बींग्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स के बीच में हमने डिफरेंस किया था कि भाई होते क्या क्या है। फीचर्स मैंने आपको बताए थे, डिफाइनिंग फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। डिफाइनिंग फीचर वो फीचर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिविंग बींग्स में मिलते हैं, नॉन लिविंग बींग्स में नहीं मिलते हैं, और लिविंग बींग्स में भी कैसे मिलते हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन मिलते हैं, तो वो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर्स होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर मिलते हैं। तो ये बात हमने कल कर ली थी। इसके अलावा हमने 4 फीचर्स के बारे में बात करी थी। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रे, GMC रे, राइट। तो ये वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आई होप सो कि आपने इस तरीके से इनको याद भी कर लिया होगा। एक एक करके हमने सारे फीचर्स के बारे में बात करी थी। ग्रोथ के बारे में हमने बोला था कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग में भी मिलती है और लिविंग में भी मिलती है। नॉन लिविंग में हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कैसे होता है। यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा था, यूनिसेल्युलर के अंदर अमीबा का एग्जाम्पल हमने डिस्कस करा था बच्चों। तो अमीबा के बारे में बच्चों हमने क्या डिस्कस किया था, एक यूनिसेलुलर जो एक सेल होती है ये क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, डिवाइड करके 2 सेल्स बना दे रही है। 2 सेल्स बनाने का मतलब ग्रोथ तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो ये हमने बात कर ली थी। मल्टी सेलुलर में तो हम खुद अपने आप को देख ही रहे कि हम किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, है ना, हाइट एंड सब कुछ सबके अंदर, मास के अंदर। उसके बाद में नॉन लिविंग आर्टिकल्स किस तरीके से ग्रोथ करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, कचरे का एग्जाम्पल लेकर। एंड ग्रोथ के बारे में लास्ट में हम इस चीज़ पे आए थे कि डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाता। रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करी थी हमने, एसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्लोन्स क्या होते हैं, ये सारी बातें बताई थी मैंने। लेकिन यहाँ पर भी हमने इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला था, क्यों, क्योंकि ये जो फीचर्स है ये नॉन लिविंग बींग में तो नहीं है बट ये लिविंग बींग में है, लेकिन लिविंग बींग में विदाउट एनी एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर एक्सेप्शन आते हैं, म्यूल, वर्कर बी, ये सारे एक्सेप्शन की वजह से हम इसको डिफाइनिंग नहीं मानते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग मानते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो नॉन लिविंग बींग्स में पहली बात तो प्रेजेंट नहीं होता, और लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होता है वो भी विदाउट एनी एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है। सारे के सारे लिविंग बींग्स में ये वाला फीचर मिलता है, मेटाबॉलिज्म, राइट। और इसके अलावा हमने बात कर ली थी कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, इसके बारे में बात कर ली थी। तो मेटाबॉलिज्म को हमने लास्ट में बोला था कि डिफाइनिंग फीचर है, एंड कॉन्शियसनेस के बारे में भी हमने बोला था कि इट इज़ ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि ये नॉन लिविंग बींग्स में तो होता ही नहीं है और लिविंग बींग्स में होता है, कॉन्शियसनेस लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होता है, तो विदाउट एनी एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है, दैट इज़ वाई हम इसको भी क्या मानते हैं, डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। तो मतलब कि हमने पूरा का पूरा निचोड़ देखा था कि 4 जो फीचर्स थे उस 4 फीचर्स में से 2 फीचर्स हमारे डिफाइनिंग थे और 2 हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है और वहाँ पर आपके पास कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म दोनों ही ऑप्शंस में होंगे, तो मैंने आपको बोला था कि आपको मेटाबॉलिज्म पे ही टिक करना है, क्योंकि दैट इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है, तो आप कॉन्शियसनेस पे टिक कर सकते हैं। इतनी बातें बच्चों जी हमने कल कर ली थी मेरे बच्चों, है ना,
चलो इतनी बातें हम लोगों ने कल की क्लास में कर ली थी, अब आज हमें क्या करना है, आज हमें डाइवर्सिटी के बारे में बात करनी है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होती है? विभिन्नता, वेरिएशंस, बहुत ज़्यादा यू नो दुनिया के अंदर कितने प्रकार के जानवर प्रेजेंट है, कितने प्रकार के जंतु प्रेजेंट है, कितने प्रकार के यू नो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, नॉन लिविंग की बात हम अब नहीं करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, हम लिविंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब टू स्टडी, तो लिविंग चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं दैट मीन्स बायोलॉजी। तो यहाँ पर हम लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, जितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले कोई पूछे तो क्या होगा, एक और चीज़ मैंने कल के लेक्चर में बताई थी कि अगर आपको बायो बहुत अच्छे से सीखनी है तो उसके लिए आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश मींस आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनका मतलब पता होना चाहिए। बायो का मतलब मैंने आपको बताया लिविंग, राइट, एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा यू नो अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास प्रेजेंट है, उसको हम डाइवर्सिटी से डिनोट करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। अब बताओ तुमको इसको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में एक डेफिनेशन बना के लिखना हो तो क्या लिख नहीं सकते? What is biodiversity? Biodiversity refers to number and type of organism present on earth. Earth पे जितने type के organisms present है, जितना उनका number है, उसी को तो हम biodiversity कहते हैं, है ना? इसका मतलब यही तो है। तो जितने भी organisms हैं, उसको हम biodiversity कह रहे हैं। ये हो गया। उसके अलावा अब देखो, ये जितने भी organisms हैं, अब हमको पता है जितने भी organisms हैं वो कोई एक दूसरे की कॉपी तो नहीं है, है ना? अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जैसी दूसरी कॉपी पता नहीं कहाँ, रेयर ही कहाँ मिलेगी पता नहीं मुझे, बट मैं तो अपने आप में यही मान के चल रही हूँ कि आई एम यूनिक, है ना? हम सब अपने आप में यूनिक है, हमारी जैसी कोई कॉपी प्रेजेंट ही नहीं है बच्चों, हम एकदम अलग है। तो किसी और को देखूंगी तो उसकी मॉर्फोलॉजी अलग है, उसका यू नो कोई दूसरा कोई मैं जानवर देखूंगी तो उसकी मॉर्फोलॉजी अलग है, मैं प्लांट देखूंगी उसकी मॉर्फोलॉजी अलग है। तो मॉर्फोलॉजी मींस क्या होता है, आउटर स्ट्रक्चर। ह्यूमन बॉडी की मॉर्फोलॉजी जो है सब में सेम है, आउटर स्ट्रक्चर सब में सेम है, दो कान दो आँख, है ना, सब में सेम है, लेकिन सबका फेस अलग अलग है, बनावट अलग अलग है, बॉडी शेप अलग अलग है, उस वजह से हम सब लोग आपस में डिफर करते हैं। बट अगर हम एक स्पीसीज़ की बात करें, लाइक ह्यूमन बींग्स की बात करें खाली, तो ह्यूमन बींग को अगर मैं किसी एक एनिमल से कंपेयर करूँगी तो बिल्कुल डिफरेंट है वो दोनों, मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट है दोनों, है ना, साइज़ में डिफरेंट है बिल्कुल, कलर में भी डिफरेंट है, एनाटॉमी में भी डिफरेंट है, है ना? अगर मैं एक प्लांट और एक ह्यूमन बींग को कंपेयर करके देखूँ, दोनों है तो लिविंग बींग्स, है कि नहीं, दोनों लिविंग बींग्स है, बट दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग, मॉर्फोलॉजी मीन्स बाहरी स्ट्रक्चर अलग, एंड साथ में बात करूँ तो अंदर की स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एना का मतलब होता है अंदर, एनाटॉमी मीन्स अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग है बच्चों, वो भी अलग है। अगर प्लांट की बात करें, जाइलम फ्लोएम मिलता है उसके अंदर, है ना, अगर आपने 10th में पढ़ा हो, जाइलम फ्लोएम उसमें मिलता है, ह्यूमन बींग्स में मिलता है जाइलम फ्लोएम नहीं मिलता, इसीलिए एनाटॉमी अलग है, हैबिटेट अलग है, हैबिटेट मतलब जहाँ हम रहते हैं उसको जगह को बोलते हैं हैबिटेट, है ना? तो हम हमारे घरों में रहते हैं, अब यू नो जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट अलग हो सकता है, वो किसी और एनवायरनमेंट में सूट होते होंगे, है ना, सबका अपना अपना हैबिटेट है ना? कोई बहुत ज़्यादा यू नो जैसे कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म गर्म पानी में बच्चों वो रह सकते हैं, लेकिन अगर मैं तुमको छोड़ दूँ गर्म पानी में तो हालत ख़राब हो जाएगी, हम तो रह ही नहीं सकते ना, हमारी बॉडी उसके प्रति है ही नहीं एक्लिमेटाइज्ड, तो हम नहीं रह सकते हैं, तो हमारे हैबिटेट अलग है, उनके हैबिटेट अलग है। जैसे मछली जल की रानी है, मछली को बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, मरेगी क्यों, क्योंकि उसका हैबिटेट है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट उसकी मॉर्फोलॉजी अलग, उसकी एनाटॉमी अलग, वो बाहर से अलग दिखती है, अंदर से अलग दिखती है, और वो अंदर वो पानी में ही रहना प्रेफर करती है, उसका हैबिटेट है वाटर में रहना, राइट, तो वो बाहर आके नहीं रह सकती। बट अगर तुमको मैं पानी में छोड़ दूँ और ज़्यादा टाइम तक छोड़े रखूँ और तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो भैया टाइम बोल जाओगे,
नहीं रह पाओगे तो तुमको बाहर निकालना पड़ेगा। यही चीज़ होती है, हैबिट्स भी अलग अलग होती है ना। हमारे अंदर जो हैबिट्स है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी में वो हैबिट्स हो। अगर हम सिर्फ इंसानों को कंपेयर करें तो भी नहीं मैच होती हैबिट्स, तो है ना। तो अगर हम एक इंसान और एक जानवर को करने लगे तो हैबिट्स बिल्कुल भी मैच नहीं होंगी। तो ये इस चीज़ में डिफ़र करता है बच्चों। तो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने मैडम ये सीखा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस, राइट। तो जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अर्थ पे, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स और जितने भी नंबर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। चलो बहुत बढ़िया, ये वाला स्लाइड बिल्कुल कवर हो गया। अब चलते इसके ऊपर। तो मैम, अगर हम जो हम नंबर की बात कर रहे हैं, क्या आपको बता सकते हो, इतनी देर से आप नंबर कर रही हो, क्या आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जितनी भी स्पीसीज हैं। अरे मैम ये क्या बता रहे हो आप, ये तो हमें पता ही नहीं क्या होती है स्पीसीज। तुम ठहरो, शांति रखो, मैं बताती हूँ स्पीसीज क्या होती है। लेट्स सपोज कि ये है हमारा बंटी। बंटी बंटी मीन्स एक ह्यूमन बींग, ठीक है, एक ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं। ये है बबली, ये भी ह्यूमन बींग है, बट ये गर्ल है, ये बॉय है, कोई फर्क नहीं है, बट है ह्यूमन बींग ही। समझ रहे हो, बिल्कुल समझना ना, समझ रहे हो, ठीक है। अब हम बात करें, चलो इसकी बात करें, कोई भी बर्ड है ये, है ना, इसकी बात करें हम, एनिमल है, इनकी बात करें तो देखो क्या इसमें और ह्यूमन बींग में दोनों में कोई भी आपको कहीं सिमिलैरिटी दिखती है? नो, कहीं कोई सिमिलैरिटी नहीं है। बाहर की स्ट्रक्चर में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, अंदर की स्ट्रक्चर में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, है कि नहीं। तो स्पीसीज बच्चों वो होती है जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, इनर एनाटॉमी उनकी बिल्कुल सेम होती है। जैसे अगर हम बात करें एक बॉय और एक गर्ल की, अब चाहे वो बॉय होगा चाहे वो गर्ल होगी, इट डजेंट मैटर, बट उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनका बॉडी का जो ढांचा है, वो वैसा ही बना हुआ है, है ना। अंदर वैसे ही हार्ट हमारा भी फोर चैम्बर्ड है, बंटी का भी फोर चैम्बर्ड हार्ट है, बबली का भी फोर चैम्बर्ड हार्ट है। बंटी के भी दो आंखें हैं, बबली के भी दो आंखें हैं, है ना। अब कोई बच्चा ये कमेंट में नहीं लिखेगा, मैम ये तो बबली के हो सकता है, चश्मा लगा हुआ आपकी तरह तो चार आंखें भी हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। चश्मे को हम चार आंखों में नहीं देखते हैं उसको, है ना, कंसिडर नहीं करते, बट है तो असली में दो ही आंखें, दो हाथ इसके हैं, दो हाथ इसके, दो पैर इसके, दो पैर इसके, तो क्या डिफर हुआ। लेकिन अगर हम वहीं पर इससे कंपेयर करें, बंटी और बबली को इससे कंपेयर करें, तो भाई इतने सारे हमारे पास वो दिखेंगे, इसके पास चोंच है, बंटी बबली के पास चोंच नहीं है मैम। तो वही होता है, स्पीसीज का मतलब है एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे बहुत सारे लोगों का ग्रुप जहाँ पर उनमें सिमिलैरिटी होती हो, है ना। ये दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मेथड अलग है, लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा इसका मेथड अलग है, है ना। आई मीन जो भी अपना अपनी संतान को जैसे ही जन्म देगा, इसका डिफरेंट मेथड है और इंसानों का डिफरेंट मेथड है। तो दैट इज़ कॉल्ड कि मतलब रिप्रोडक्शन का तरीका सेम हो, सिमिलैरिटी हो उनके अंदर, एनाटॉमी सेम हो, उस ग्रुप को हम स्पीसीज बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि बंटी और बबली क्या एक ही स्पीसीज में आते हैं, हाँ जी एक ही स्पीसीज में आते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल हो, वो नहीं फ़र्क पड़ता, है तो दोनों इंसान ही ना, है तो दोनों इंसान ही, तो इसलिए वो क्या होते हैं, एक ही स्पीसीज में आते हैं। तो ह्यूमन स्पीसीज हो गई है, ये वाली बर्ड स्पीसीज हो गई, ये एनिमल स्पीसीज हो गई, ये प्लांट स्पीसीज हो गई, तो वही है आपको देखना, ठीक है। तो ये स्पीसीज होती है। अब जितनी ज़्यादा स्पीसीज है, मतलब हमारी दुनिया में हमने तो इंसानों और जीव जानवरों को छोड़कर ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स को देखा तक नहीं है, ट्रस्ट मी, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमने देखा तक नहीं है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई कितनी सारी स्पीसीज है? तो एक डेटा निकाला गया है ऑन एन एवरेज कि नंबर ऑफ जो स्पीसीज है वो लगभग इतनी बताई जाती है, 1.7 से 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज है। मतलब सोचो, ह्यूमन बींग तो सिर्फ एक ही स्पीसीज है, दुनिया में इतने ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक ही स्पीसीज है, उसके अलावा इतने सारे बर्ड्स हैं दूसरी स्पीसीज, एनिमल्स है तीसरी स्पीसीज, है ना, ऐसे इस तरीके से इनकी स्पीसीज बनी हुई है। तो वो है 17 से 18 लाख, 1.7 से 1.8 मिलियन का मतलब है 17 से 18 लाख स्पीसीज इस धरती पे प्रेजेंट है मेरे बच्चों, कितनी ज़्यादा है, है ना। अगर बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स है 1.25 मिलियन, इंसेक्ट्स की बात करें 1.025 मिलियन स्पीसीज। सोच कर देखो, एनिमल्स
एनिमल्स में 1.25 मिलियन है, उसमें से इंसेक्ट जो है वो 1.025 खुद है। तो इस दुनिया में इंसान के बाद में जो इस दुनिया के अंदर जो है जो सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ है हाईएस्ट नंबर में वो किसकी मानी जाती है? इंसेक्ट्स की, एनिमल्स के अंदर, है ना। प्लांट की बात करें तो 0.5 मिलियन है बच्चों इसका डेटा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइडेड है। तो ये सब बातें हमने डाइवर्सिटी के बारे में कर ली, डेटास के ऊपर हमने बातें करी कि कितनी कितनी स्पीसीज़ है। अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की, जो असली चीज़ है आपकी बुक के अंदर। टैक्सोनॉमी क्या होती है? मान लो, देखो यार, हमने अभी तक ये डिफाइन नहीं किया कि बस 17 से 18 लाख की स्पीसीज़ है तो इसके आगे और कुछ मिलेगा नहीं। हमारी दुनिया जो है दिन ब दिन यू नो इवोल्यूशन होता जा रहा है। इवोल्यूशन मतलब विकसित होती जा रही है, डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो हमें पता भी नहीं है कि कौन से ऑर्गेनिज्म कब बर्थ लेते हैं, हमको पता भी नहीं है कि कौन से टाइप की स्पीसीज़ कब आ जाएगी धरती पे। तो ये 17 से 18 लाख जो डेटा है वो डेटा सिर्फ आपको बताया गया है, बट इट डजेंट मीन कि बस इतने ही हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे भी और स्पीसीज़ आनी बाकी हैं। अब बात ये है कि अगर आगे की स्पीसीज़ आएगी तो हम उनको नाम क्या देंगे? जैसे इंसानों ने जब जन्म लिया धरती पे तो सब लोगों ने, मतलब हम लोगों को ह्यूमन बीइंग एक नाम दे दिया गया है कि नहीं? हमारा जो नाम है साइंटिफिक नेम, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम क्या है, है ना। कई बच्चे अपना अपना नाम लिख देंगे, ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम क्या है? वो साइंटिफिक नेम से ही हमें इस पूरी दुनिया में जाना जाता है। चाहे तुम कहीं चले जाओ, इंडिया, इंडिया के बाहर, कहीं पे भी होमो सेपियंस नाम से जाना जाता है हमें, है ना। अभी बताऊंगी तुम्हें ये नोमेनक्लेचर के बारे में। तो टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, हम आइडेंटिफाई, हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की कि भाई और जो नए नए ऑर्गेनिजम्स आएंगे हम उनको क्लासीफाई कहाँ करेंगे। अगर कोई ह्यूमन बींग आता है तो उसको तो ह्यूमन बींग वाली स्पीसीज में डाल देंगे, कोई इंसेक्ट आता है तो उसको इंसेक्ट में डाल देंगे, है ना, कोई और बर्ड आता है तो उसको उसकी स्पीसीज में डाल देंगे। तो जो नए नए और आएंगे जो ना तो ह्यूमन बींग है, ना इंसेक्ट है, ना बर्ड है, उसको हम कहाँ डालेंगे? तो उसको अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें एक नाम सोचना पड़ेगा कि हम इसको बोले क्या, क्या हम इसको इंसेक्ट बोले, क्या हम बर्ड बोले, क्या हम एनिमल बोले, क्या बोले इसको। तो वो नाम हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, उसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि यार तेरा ये ग्रुप है तेरे को वहीं जाके रहना है, है ना। तो इसीलिए उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। सिंपल भाषा में क्या है टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जहाँ पर कोई भी नया ऑर्गेनिज्म अगर इस दुनिया में आता है तो हम उसको क्लासिफाई करना चाहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसको एक नाम देकर सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो मैंने तीन चीज़ें यहाँ पर बोली, उसको हम पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि भाई तू है कौन, दूसरी चीज़ हम उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि तू दूसरी जगह जा, तू कहाँ पे आ सकता है, तू पहले तो तू है कौन, क्या तू इंसान है, अगर तू इंसान है तो क्या तेरे इंसान से ये कैरेक्टर मैच होते हैं, अगर मैच होते तो इंसानों वाली स्पीसीज में आ जा, अदरवाइज तू दूसरी जगह जा। तो क्लासिफाई करना, ये तीसरी चीज़। जब हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है, दूसरा कैटेगरी उसका बना दिया है, तो हमें उसका नाम भी देना पड़ेगा है कि नहीं, उस स्पीसीज का नाम भी मुझे देना पड़ेगा। जैसे इंसानों के लिए होमो सेपियंस दिया गया, वैसे उसका भी मुझे एक नाम देना पड़ेगा। तो तीन स्टेप बच्चों टैक्सोनॉमी में शामिल किए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज नोमेनक्लेचर। इन तीनों के बारे में ही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, टैक्सोनॉमी, राइट। अब ये टैक्सोनॉमी जैसे कोई एक छोटा बच्चा होता है ना, एकदम बिल्कुल सेम वही कहानी है कि एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है, क्या उसका नाम पहले ही डिसाइड हो जाता है? आजकल तो लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, बट लेट्स सपोज कि एक छोटा बच्चा आया है ना, सबसे पहले तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो तो ह्यूमन बीइंग ही है। हाँ वो ह्यूमन बीइंग है, बट हमें ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि वो लड़का है लड़की है। तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्लासिफाई कर दिया कि भाई तू तो लड़की है ना, या तू तो लड़का है, ये तो क्लासिफाई हो गया। नंबर थर्ड पे थोड़े दिन रहेंगे, बच्चा खेलेगा कूदेगा, उसके बाद में क्या होगा, सोएगा 10-15 दिन तक, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर होगा, उसका नाम निकाला जाएगा ना। फिर घर के बड़े बूढ़े सारे लोग आएंगे, हाँ मैं निकालेंगे, हम निकालेंगे, हम निकालेंगे। फिर कोई नाराज़ भी होगा कि यार मैंने नाम निकाला था, मेरा नाम नहीं रखा, देखो मैंने बहुत अच्छा नाम रखा था, इतनी लंबी लिस्ट भी बनाई थी। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? जल्दी से कॉमेंट में बताओ। ऐसा तो होता ही है सब घर में, है ना। कोई छोटा नया बच्चा आता है, उसका नाम जो है वो रखने के लिए सब लोग लड़ते हैं कि यार मैंने बताया ये नया नाम यही रखना है। तो वैसे ही होता है,
पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे और फिर उसका नाम रख देंगे, ठीक है। वही चीज़ हम टैक्सोनॉमी में करने वाले हैं। और ऐसे ही बच्चों यहाँ पर ना बहुत सारे, जैसे एक छोटा बच्चा घर में जाता है, उसका नाम रखने की बात आती है तो उसकी दीदी बोलती है मैं रखूँगी, बुआ बोलती है मैं रखूँगी, दादी बोलती है मैं रखूँगी, मम्मी बोलती है मैं ही रखूँगी, मैंने पैदा किया है ना, पापा कहते भाई मैंने क्या बुरा किया, मैं करूँगा इसका नाम, है ना। तो वही है, इसके लिए सब लोग लड़ते हैं, यही चीज़ है। यह इसके लिए यहाँ से एक साइंटिस्ट की शुरुआत हुई, प्लेटो से, देन एरिस्टोटल तक ये बात गई, है ना। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक बार स्टार मार्क कर लेना। कोई पूछ सकता है आपको फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल, है ना। एंड थियोफ्रेस्टस जो है वो क्या है, फादर ऑफ बॉटनी है। थियोफ्रेस्टस क्या है, फादर ऑफ बॉटनी, ये पूछा जा सकता है आपसे। लीनियस जो है एंड में, लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बने बच्चों। इन्होंने सबसे बढ़िया आइडेंटिफाई, सबसे बढ़िया तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना और साथ में फिर उसका नामकरण करना, इनसे बेटर किसी ने किया ही नहीं। इसलिए इनका नाम क्या कर दिया गया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, है कि नहीं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम लीनियस को बोलते हैं। तो अब इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज़ हमें, एक ही नाम दिखाई देगा किसी साइंटिस्ट का अगर दिखाई देगा तो, वो है लीनियस, कैरोलस लीनियस। हम इनके आगे हाथ जोड़ लेते, थोड़ा सा इनको नमस्कार कर देते। वो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या बेसिस है इसका। तो बेसिस बच्चों अगर हम बात करें, बेसिस ये है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखकर उसको क्लासिफाई करेगा वो, है ना। या फिर उसकी सेल की स्ट्रक्चर देखेगा कि क्या तेरी सेल जो है इंसानों वाली है, जो इंसानों में जो सेल होती है यूकैरियोटिक सेल, क्या तेरी भी सेल वैसी है, अगर नहीं है तो तू फिर अलग हो जा। ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस देखेगा कि जो इंसानों की डेवलपमेंट हुई थी, क्या उसी तरीके से तुम्हारी भी डेवलपमेंट हुई है जो तुम इंसानों में आना चाहते हो। तो वो डेवलपमेंट प्रोसेस देखेगा। वो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी देखेगा कि वो कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, सब कुछ, है ना। तो सारी की सारी चीज़ें बच्चों, एक बेसिस होता है यू नो डिफरेंशिएट करने का उसको। इन सब चीज़ों के आधार पर बच्चों ये सारी चीज़ें होंगी। अब बेसिक प्रोसेस टैक्सोनॉमी का क्या है, बेसिक प्रोसेस मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर कैरेक्टर्स को समझा जाएगा। कैरेक्टर्स कौन से, सबसे पहले देखो तुम्हारे हाथ में कोई भी चीज़ आती है, लेट्स सपोज मेरे हाथ में ये पेन है, मैं ये देखूंगी कि क्या ये जो पेन होता है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। कैसे देखूंगी, कैसे पता लगाऊंगी लिविंग है या नॉन लिविंग है। कल ही तो हमने चार पढ़े थे, कल ही तो हमने चार फीचर्स पढ़े थे, जी एम सी रे, है ना। क्या इसमें ग्रोथ है, नहीं। क्या मेटाबॉलिज्म है, नहीं। क्या कॉन्शियसनेस है, नहीं। क्या रिप्रोडक्शन है, नहीं। तो चारों चीज़ें नहीं है। तो बच्चों तू तो हम बोल सकते हैं कि भाई तू तो नहीं है लिविंग बिंग, लिविंग बिंग वाले तो कोई फीचर्स नहीं है। तो ये नॉन लिविंग थिंग है सबसे पहली चीज़। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, कैरेक्टराइज कर लिया कि भाई तू लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। हमने अंडरस्टैंड किया इसके सारे कैरेक्टर को ऑर्गेनिज्म के, एंड हमने उसको बता दिया कि भाई तू लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग है तो हमारी काम की चीज़ है, नॉन लिविंग है तो नहीं काम की चीज़ है। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखे। लेट्स सपोज कि गलती से ये पेन लिविंग निकल गया। अब लिविंग अगर पेन निकल गया तो लिविंग की मुझे स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। अब लिविंग तो देखो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, पर मैं अब और अंदर जाके कैसे पता लगाऊं कि ये कौन से टाइप का लिविंग है। इसलिए मुझे उसकी एक्सटर्नल आउटर स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी कि किस तरीके की बनावट है बॉडी की। अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि किस तरीके की इंटरनल स्ट्रक्चर है, और उसके साथ में इसकी सेल की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, किस तरीके की सेल इसमें प्रेजेंट है, क्या इसमें सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी। तो ये सारी की सारी प्रोसेस देखकर मैं उसको कैरेक्टराइज करूँगी। फिर मैं आती हूँ अपने मेन काम पे, आइडेंटिफिकेशन। उसको आइडेंटिफाई करूँगी, करेक्ट डिस्क्रिप्शन दूंगी उसका, ऑर्गेनिज्म का, कि भाई ये ऑर्गेनिज्म आया कहाँ से है, क्या ये नया आया है या पहले किसी और यू नो प्रायर कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था उससे आया है, कहाँ से आया है, मैं आइडेंटिफाई करूँगी। आइडेंटिफाई करने के बाद जब मुझे उसके बारे में दो चार चीज़ें मालूम पड़ेगी ना बच्चों, फिर मैं उसको क्लासीफाई कर दूँगी। क्या करूँगी, क्लासीफाई, उसको एक ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में डाल दूँगी। लेट्स सपोज कि एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं ना, क्लास में 100 बच्चों का ग्रुप है, 100 के अंदर से 50-50 बच्चों का बच्चों अलग अलग ग्रुप बना दिया, सेक्शन ए सेक्शन बी, है ना, ऐसी पार्शियलिटी कर दी, जिसमें से ये जो 50 बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और ये 50 बच्चे जो हैं वो इसमें एवरेज बच्चा और थोड़े वीक बच्चे जो आते हैं बैक बेंचर्स, वो सारे इंक्लूडेड हैं, है ना, ऐसा मान के चलते हैं।
तो यहाँ वाले नंबर, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बच्चा आया दूसरा, वो इसी क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, 100 से 101 वह बच्चा वही बनना चाहता है, तो हम उसको कहाँ रखेंगे, सेक्शन ए में सेक्शन बी में? तो हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे सबसे पहले, है कि नहीं? तुमको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा, तुम्हारे इतने मार्क्स आएंगे तो तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो तुम एवरेज बच्चे हो या फिर वीक बच्चे हो, तो उसी हिसाब से तुम्हें एक बैच दिया जाएगा, ऐसा ही तो होता है, तो उसको इस हिसाब से बैच दे दिया जाता है। लेट्स सपोज कि वो एक एवरेज बच्चा होता है और उसको इस वाले सेक्शन बी में रखा जाता है ना, तो इसी को बोलते बच्चों क्लासिफिकेशन, है ना। हमको कैसे पता चला, हमने प्रायर, हमारे पास ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ था, उसी ग्रुप में हमने उसके उसके कैरेक्टर को देखे इंक्लूड कर लिया, हमने उसके कैरेक्टर देखे कि तुम एवरेज हो या टॉपर हो, हमारे पास एवरेज और टॉपर दोनों के अलग अलग बैचेस हैं, तुम एवरेज हो मतलब तुम एवरेज वाले में आ जाओ, है ना, ऐसा। तो पहले से ग्रुप बना हुआ था और उसको ऐड कर लिया, दिस इज कॉल्ड दी आपका क्लासिफिकेशन। तो इसको कैटेगरी के अंदर एक ऐड कर दिया जाता है बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। तो उसकी सिमिलैरिटी देखी जाती है कि भाई तू जो है, तेरे सिमिलैरिटी क्या है, तेरी सिमिलैरिटी क्या है इन एवरेज बच्चों से मैच करती है, है ना। डिफरेंस क्या है कि तू टॉपर नहीं है, अगर तू टॉपर होता तो सेक्शन ए में आता, है कि नहीं, तो सेक्शन ए में तो नहीं आ सकता, तो एवरेज बच्चा है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी होती है। डिफरेंसेस क्या है कि तू टॉपर नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कैरेक्टराइज कर दिया, सॉरी क्लासीफाई कर दिया। अब बच्चा आ गया उस क्लास में, लेट्स सपोज उस बच्चे का कोई नाम ही नहीं है, है ना, वैसे तो ऐसा नहीं होता है, बट जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो हम उसको अब एक नाम देंगे जिसकी हेल्प से हम उसको बुला सके कि अब तुम्हारा, तुमने हमने तुमको अच्छे से क्लासिफाई कर दिया, अब तुम्हारा ये नाम है, इसी नाम से तुम्हें दुनिया में सब लोग जानेंगे। ऐसे ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो आज के बाद अगर कोई भी नया ऑर्गेनिज्म धरती पर प्रकट भी होगा ना बच्चों, तो वो ऐसे ही क्लासिफाई किया जाएगा। सबसे पहले उसको कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, एंड लास्ट में उसका नाम रख देंगे, है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टॉप दिस वीडियो, सॉरी आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टॉप दिस वीडियो हियर ओनली एंड राइट डाउन द कॉमेंट सेक्शन। जो भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करिए, मैं ज़रूर आपकी पर्सनली जाके आपके कॉमेंट्स की रिप्लाई करूँगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, क्योंकि हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, क्लासिफिकेशन कर लिया है, नोमेनक्लेचर कर दिया है। अब हमें ये जानना है कि ये जो नोमेनक्लेचर है ये करना कैसे है, ये नामकरण करना कैसे है। सबके बस की बात थोड़ी ना होती है नाम निकाल देना, पंडित ही निकालते हैं आके, तो पंडित के पास कुछ तो ऐसे होती होगी ना, पूजा पाठ जो भी वो करते हैं वो हर कोई थोड़े ना कर सकता है। तो पंडित वाली स्ट्रैटेजी सीखते कि भाई तुम नाम कैसे निकालते हो, हम वैसे निकालेंगे। तो ये जो नाम निकालने का जो तरीका है ये हमारे एक पंडित ने दिया था, कौन से पंडित, वैसे वाले पंडित नहीं, हमारे इस चैप्टर के पंडित हैं कैरोलस लीनियस। उन्होंने बोला कि यार इनके जितने भी ऑर्गेनिज्म आए ना, आप उनको आइडेंटिफाई कर दो, क्लासिफाई कर दो, फिर नाम जब निकालो ना, तो जो मैं स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ उसी स्ट्रैटेजी से नाम निकालना है। और वो स्ट्रैटेजी थी बच्चों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर बाई लिखा हुआ, बाई बाई मतलब होता है दो, यहाँ पर दो ऐसे वर्ड्स शामिल होते हैं जिसकी हेल्प से नाम निकाला जाता है एक ऑर्गेनिज्म का। तो ये एक प्रोसेस है बच्चों, एक प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का नाम निकालते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं उसका, साइंटिफिक नेम देते हैं उसे। इसके कुछ रूल्स हैं। कैरोलस लीनियस ने ऐसा देखा, जैसे हमारे घर पे पंडित आते हैं और वो नाम निकालते हैं बच्चों का, लेट सपोज एक लड़की हुई है उसका नाम निकाल दिया पूजा, है ना। अब पूजा इज़ अ वेरी कॉमन नेम इन इंडिया, बहुत सारे लोगों के घर में पूजा होगी, है ना। तो अभी वो स्पेसिफाई, उसको स्पेसिफाई कहाँ से किया गया, नहीं करा गया, क्योंकि वो बहुत कॉमन नेम है। दुनिया में कोई भी अगर एक पूजा आवाज़ लगाई जाएगी 100 पूजा आएगी भाग के, क्या सेंस हुआ। तो हमें किसी भी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसका नाम सही, जिसका नाम एकदम स्पेसिफाइड ना हो कि भाई ये तेरा ही नाम है, इसके अलावा और किसी का नाम ही नहीं है। जैसे मेरा नाम है एकता, एकता नाम क्या सिर्फ मेरा है दुनिया में, नहीं, बहुत सारे हैं, एकता कपूर है ना सबसे बड़ी, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम एकता है, है ना। तो इट इज़ नॉट दैट नेम कि भाई मेरा ही है, स्पेसिफाइड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉमन नाम नहीं दिया गया, यहाँ पर नाम कैसे दिए गए हैं, स्पेसिफाइड नाम दिए गए हैं कि भाई अगर आम का ये नाम है तो बस वो आम का ही है,
दुनिया में अगर कोई भी ये नाम बोलेगा तो सबको यही समझना है कि ये आम के बारे में बात कर रहा है और किसी के बारे में भी नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम पूजा के बारे में बात करें तो पूजा हमारे पास दो तीन टाइप की हो सकती है, पूजा वन, पूजा टू, पूजा थ्री, है कि नहीं? एकता वन, एकता टू, एकता थ्री, कोई भी हो सकता है। हमारी क्लास में भी हमें दो चार मिल जाती है, तो ऐसा तो हमारे साथ होता है। बट कैरोलस लीनियस ने बस ये ठान लिया था कि मैं जो करूँगा वो यूनिक करूँगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा उसका यूनिक नाम होगा। तो यहाँ पर जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, इसके अंदर हम स्पीसीज को किस तरीके से कर रहे हैं कि पहला वर्ड जो होता है, लेट्स सपोज ये ए है पहला वर्ड, ये पहला वर्ड जो होता है उसके जीनस को शो करेगा, जीनस को शो करेगा। एंड द सेकेंड वर्ड जो होता है वो उसकी स्पीसीज को शो करेगा, स्पीसीज को शो करेगा, है ना? स्पीसीज मैंने आपको बता दिया, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की होमो सेपियंस, हम लोग सेपियंस, जैसे मैंने नाम बताया होमो सेपियंस, तो होमो जो होता है वो हमारा एक क्या है, जीनस है, और सेपियंस क्या है, स्पीसीज है, है ना? तो पहला वर्ड हमेशा जीनस को और सेकेंड वर्ड हमेशा स्पीसीज को शो करता है। तो इस तरीके से हम बच्चों बोलते हैं, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात है। पहला वर्ड जीनस को, दूसरा स्पीसीज को, है ना? ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर इसीलिए है क्योंकि दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, पहला जीनस को शो करता है, दूसरा स्पीसीज को शो करता है। अब ये जीनस स्पीसीज क्या है, ये सब कुछ हायरार्की मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, बहुत अमेजिंग अमेजिंग ट्रिक्स के साथ में। तो पूरा वीडियो देखना आपको, और कल के लेक्चर में भी आपको आना है। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो ऐसा है कि पौधे जहाँ पे भी थे, जितने भी प्लांट्स थे ना, उनका नाम पता है किसने रखा? उनका नाम रखा था ICBN ने। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ICBN जो था, जितने भी प्लांट्स थे उनका जिम्मा इसने ले लिया था कि मैं रखूंगा इनके नाम। और जितने भी एनिमल्स थे उनका जिम्मा इसने ले लिया था ICZN ने, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, उसका जिम्मा इसने ले लिया था कि सारे के सारे नाम मैं रखूंगा। तो देखो यहाँ पर हमने आम का नाम रखा, देखो आम का नाम क्या बढ़िया, आम का तो मौसम भी चल रहा है। इसका हमने किस तरीके से इसका नाम रखा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से। बायनोमियल नोमेनक्लेचर यहाँ कैसे फॉलो करा, ये कैरोलस लीनियस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इस चैप्टर में साइंटिस्ट, जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, है ना? ये चीज पूछी जा सकती है। तो पहला वर्ड हमने क्या बताया, जैसे आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका रखा हुआ है, पहला वर्ड क्या होता है मेरे बच्चों, जीनस, और दूसरा वर्ड क्या होता है, स्पीसीज। तो जो हमारा जीनस है उसका पहला जो लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, और स्पीसीज में जो फर्स्ट लेटर होता है इट शुड बी द स्मॉल लेटर, राइट? तो ये स्मॉल लेटर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और ये रूल्स आपको याद करने हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, ठीक है? तो आपका मैंजीफेरा किसको है, जेनेरिक नेम या फिर जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिका किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को या फिर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके बारे में तीन चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात ये कि जैसे अगर आप देख रहे होंगे आप मैंजीफेरा इंडिका का नाम, तो आपने जीनस में देखा फर्स्ट लेटर कैपिटल था, दूसरा लेटर यहाँ पर स्पीसीज में आपने फर्स्ट लेटर देखा वो स्मॉल लेटर था। दूसरी चीज़ आपने क्या नोटिस करी कि ये तिरछे क्यों लिखे हुए, सीधे क्यों नहीं लिखे हुए, ये तो सीधे लिखे हुए बट ये तिरछे क्यों लिखे हुए, क्योंकि यहाँ पर लैटिन भाषा में लिखा जाता है। यहाँ पर कौन सी भाषा अपनाई जाती है, कैरोलस लीनियस की फेवरेट भाषा है लैटिन भाषा, उसी भाषा में इनका नोमेनक्लेचर उन्होंने किया था। और लैटिन भाषा में हम कभी भी सीधे सीधे वर्ड्स नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तिरछे वर्ड्स लिखते हैं। और अगर तुम मान लो कॉपी में तिरछे ना लिख पाओ तो तुम सीधे लिखो, जैसे कि मैंने लिखा एकता, वैसे ये आता तो सीधा ही है, अगर तुम कॉपी में ऐसे लिखोगे तो तुम्हें इसके नीचे अंडरलाइन करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज तुमने मैंजीफेरा इंडिका लिखा, तो मैंजीफेरा के नीचे अंडरलाइन करो, फिर इंडिका के नीचे अंडरलाइन करो, सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन, ऐसा नहीं कि सब में एक साथ ही अंडरलाइन कर दी, अंडरलाइन करके शो करो। वो शो करता है कि ये भाषा लेटिन है जो तुमने यूज़ करी है, या फिर तुम इसको तिरछा लिखो, दो चीज़ें तुम्हें करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों ये इटैलिक्स में प्रिंट होता है तो इटैलिक्स में होता है, अदरवाइज तुम हैंड रिटन लिख रहे हो तो अंडरलाइन करके लिखना होता है। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, लैटिन भाषा, सब कुछ बता दिया मैंने, है ना? ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, और यहाँ तक हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम, फाइलम, ये सारी, और इनके ऊपर एक बहुत अमेजिंग ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप लोग इन सारे को एकदम सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हो, है कि नहीं? चलो तो कल की क्लास में हम बाकी सारे क्वेश्चंस हम करेंगे।
फटाफट से एक दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं। ICBM जो होता है बच्चों, ये किसके लिए स्टैंड करता है, फटाक से कमेंट कर दो, है ना, वीडियो पॉज करके, लेकिन मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे क्या है, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो जितने भी नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं उनके सारे आप पढ़ोगे। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और सेकेंड वो करता है स्पेसिफिक एपिथेट को, करेक्ट है। सेकेंड इज नेम जो होता है वो लैटिन भाषा में डिराइव किया गया और इटैलिक्स में लिखा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड ये हैंड से लिखा जाता है तो इसको अंडरलाइन किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो गलत कौन सा है इसमें से, बायोलॉजिकल नेम जो होता है बच्चों, किसी भी लैंग्वेज में नहीं, एनी लैंग्वेज में नहीं, सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ये। उसके अलावा करेक्ट वर्ड आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है मैंगो के लिए, जो कैरोलस लीनियस ने डिफाइन किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, मैंजीफेरा इंडिका यहाँ पर ये तो गलत हो गया क्योंकि इसको हमने इटैलिक्स में नहीं लिखा हुआ। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका जो लिखा हुआ है इसके आगे कैरोलस लीनियस का जो नाम था आपको सिर्फ यू नो एब्रिविएशन फॉर्म में लिखना होता है। तो ये भी एक रूल होता है, मैंजीफेरा इंडिका यहाँ पर आपको लीनियस कंप्लीट ना लिखते हुए इसका एब्रिवेटेड फॉर्म लिखना होता है, ठीक है। ये भी करेक्ट है बट ये ज़्यादा करेक्ट है, तो आपको इसको यहाँ पर आंसर क्या करना होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ तक आके हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट, है ना। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हमने पूरा कर लिया, कल की क्लास में मैं आपको पूरी हायरार्की बता दूंगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।